पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के द्वारा नंदी रथ के माध्यम से बिजली का उत्पादन सफलतापूर्वक किया गया, ये स्टोरी दर्शकों के द्वारा खूब सराही गई। अब उसी कड़ी में हम एक नंदी रथ के एक दूसरे रूप को दिखाएंगे, जिसके माध्यम से अब वो कैसे सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नंदी रथ है, छोटा नंदी रथ है, एक बैल है और ये जो सिंचाई का पंप लगा हुआ है, ये 500 मीटर की गहराई से इसमें से पानी निकलता है। एक बैल के द्वारा ही इसको बड़ी तरीके से ही बैल के द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जाता है। इसमें कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, ये जैसे ही चलते हैं और इसके बाद में इस पे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें कुप्पी सिस्टम से एक नई जो तकनीक है उसको विकसित करने का प्रयास किया गया है। पुराने समय में रहट जिसको लगाकर कुएं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी, उसी को आधुनिक रूप दिया गया है। इसमें कुप्पी लगाई गई है और ये चेन के द्वारा है, जैसे बैल चलता है तो वो कुप्पी के माध्यम से पानी निकलता है। वैदिक जो हमारी नॉलेज थी उसको हम नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब कुआं तो रहा नहीं इतना, उसको कुआं बनवाने का भी खर्च बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ ये 10-12 इंच की बोरिंग है, उसी के नीचे ये रहट की जगह जो बड़े बड़े डब्बे होते थे छोटे डब्बे हैं और ये पानी ला के ऊपर निकाल रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ पुराने अपने नॉलेज को, विजडम को जोड़ दिया, वैदिक विजडम जो था, और ये एक तरह से आपको सामने सबको उदाहरण है, सफल उदाहरण है ये। अगर इसकी बात की जाए तो ये कितनी सिंचाई कर सकता है अगर एक दिन भर इस पे बैल चले तो? ये नीचे से जो डीप से आ रहा है, आप ये वाटर डिस्चार्ज लीजिए तो जैसे पहले हमने कहा कि 35-36 हज़ार लीटर पर आवर का डिस्चार्ज है, इसका उतना ज़्यादा नहीं है, स्वाभाविक है, कम है। लेकिन अगर दो बैल आपके पास हैं, दिन भर अपना आराम से शिफ्ट वाइज चल रहे हैं, तो आपका टैंक अच्छा खासा जो है 20,000 लीटर का टैंक आपका पानी भर देगा, 40,000 लीटर का, आप पूरा सिंचाई कर दिए तो सिंचाई के लिए पर्याप्त है। क्योंकि ड्रिप इरीगेशन में 60-70% पानी कम चाहिए, फ्लड इरीगेशन में ज़्यादा चाहिए, तो पर्याप्त पानी निकल रहा है उनके लिए। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो डीजल की अपेक्षा या बिजली की अपेक्षा कितनी आएगी? अब आप एक एकड़ खेत की सिंचाई अपने उत्तर प्रदेश में अगर डीजल से कर रहे हैं तो 1,000 रुपये से ऊपर है, कहीं कहीं 2-2 हज़ार। अभी हरियाणा से किसान आया था मेरे पास, उसने कहा साहब हमारे यहाँ तो 2,500 रुपये पर एकड़ सिंचाई जा रही है डीजल के द्वारा। तो ऐसी दशा में आपका ये दो बैल हैं, अगर दिन भर में आपका सींच रहे हैं तो दो बैल का 100-100 रुपये खाने का मात्र 200 रुपये खर्च आया, तो कहाँ 2,000 और कहाँ 200 रुपये, तो 5 से 10 गुना आपका कम लागत है इसमें, तो किसानों के लिए वरदान है ये चीज़। तो इसको भी उसी तरीके से बनाया गया है कि ये एकदम फिक्स रहेगा? एक नहीं, नंदी रथ है, ले जाके किया अपना, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम दे देंगे, वहाँ स्टैंड पर इसको फिक्स कर दिया, या जिसका काफ़ी बड़ा चक है वहाँ परमानेंट उसको करना है तो वहीं फिक्स कर दिया नंदी जी के रथ को, और नंदी अपना चढ़ा के अपना काम लिया, तो जैसा आवश्यकता उसकी हो। दूसरी चीज़, जैसे कि नंदी रथ को आपने बताया है, इस पे और कौन कौन से जानवर इसका यूज़ करके बिजली पैदा? नहीं, आप इस पे एनिमल कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप चला सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बैलगाड़ी में बैल चलते हैं, वेस्ट में चले जाइए तो वो अपने जो आपने भैंसा देखा है वो चलते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप चला सकते हैं, केवल उसको वॉक करना है, उसके वेट से ग्रेविटी के कारण वो पीछे आता है, आगे खाने के लिए जाता है, फिर उसकी आदत हो जाती है चलने की और उसके फोर्स से आप ये ले रहे हैं। छोटा पशु भी चल सकता है इस पे? हाँ, छोटा भी चल जाएगा, लेकिन खच्चर है या बिल्कुल खच्चर, घोड़ा, गधा भी इस पे चल सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक है, वेट उनका उतना नहीं है तो थोड़ा कम फोर्स आएगा। हालांकि अभी शैलेंद्र सिंह द्वारा इस तकनीक का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास उन्होंने बैल से बिजली और सिंचाई बनाने की तकनीक के प्रपोजल को भेजा हुआ है। अगर सरकार के द्वारा ये तकनीक स्वीकृत हो जाती है तो किसानों को इस पर भारी अनुदान भी मिलेगा। आने वाले कुछ समय में इस तकनीक का लाभ किसान उठा सकते हैं। जानकारी भरे ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।